क्वेश्चन नंबर एक, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? इसका आंसर है विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर दो, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना? इसका आंसर है वॉटसन। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। क्वेश्चन नंबर तीन, मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन? मनोविज्ञान में व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चार, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह है? इसका आंसर है साइकी प्लस लोगस। क्वेश्चन नंबर पांच, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। क्वेश्चन नंबर छह, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? इसका आंसर है पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा। क्वेश्चन नंबर सात, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? इसका आंसर है वुंट, वाइव्स और जेम्स ने। विलियम वुंट, वाइव्स और जेम्स सली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। क्वेश्चन नंबर आठ, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? इसका आंसर है वुंट। विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है? इसका आंसर है व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर दस, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर है फ्रायड। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? इसका आंसर है बिने। क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है? इसका आंसर है शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह परिभाषा किसकी है? इसका आंसर है मन की। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई? इसका आंसर है ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है? इसका आंसर है सीखना। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है? इसका आंसर है जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। क्वेश्चन नंबर 17, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है कथन किसका है? इसका आंसर है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन ने मनोविज्ञान को मन का वैज्ञानिक अध्ययन कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान है, इसका आंसर है विधायक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसका आंसर है मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका आंसर है वॉटसन को। वॉटसन को व्यवहारवाद का जन्मदाता माना जाता है। ये था हमारा आज का शिक्षा नंबर एक। किशोरावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है ए बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी उभयमुखी, डी शर्मिला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर दो, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, उपरोक्त कथन है ए गुडविन, बी थॉमसन, सी फ्रेंडसन, डी क्रो एंड क्रो। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, थॉमसन। क्वेश्चन नंबर तीन, चिंतन में अत्यधिक सहायक होती है ए पूर्व दृष्टि, बी पश्चात दृष्टि, सी अंतर्दृष्टि, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चार, विज्ञान और गणित में चिंतन को के सहारे ही विकसित किया जाता है ए सूत्रों, बी संकेतों, सी प्रतियों, डी प्रतिमाओं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, सूत्रों। क्वेश्चन नंबर पांच, आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है ए कुप्पुस्वामी, बी मन, सी भाटिया, डी डीवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, भाटिया। क्वेश्चन नंबर छह,
में कल्पना की मात्रा अधिक होती है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञानों के अनुसार वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता का आरंभ होता है। ए 50, बी 60, सी 70, डी 80। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तियों में रिक्त स्थान के कारण अनुवांशिक रूप में भिन्नता होती है। ए माता पिता, बी परिवार, सी जीन्स, डी जन्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन जीन्स। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम उपयोग किया है। ए मैकथ्रेट, बी बंकिगम, सी स्टीफन एम कोरी, डी जॉन डीवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन बंकिगम। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है। ए पहचान, बी परिभाषा, सी परिकल्पना, डी निष्कर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है। ए उत्तम परीक्षण, बी वैकल्पिक परीक्षण, सी विषयनिष्ठ परीक्षण, डी अनिवार्य बुराई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन अनिवार्य बुराई। क्वेश्चन नंबर 12, भग्नाशा अर्थात कुंठा उत्पन्न होने का व्यक्तिगत कारण नहीं है। ए अपंगता, बी रीति रिवाज, सी बहरापन, डी भय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन रीति रिवाज। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विधि छोटे कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है। ए पूर्ण विधि, बी मिश्रित विधि, सी खंड विधि, डी अंतर्युक्त विधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन खंड विधि। क्वेश्चन नंबर 14, समायोजन की प्रक्रिया है। ए गतिशील, बी स्थिर, सी मानसिक, डी उक्त कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन गतिशील। क्वेश्चन नंबर 15, किसी बात को भलीभांति याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आदि से अधिक लड़ाई जीत लेना है। ए गिलफोर्ड, बी रायबर्न, सी वुडवर्ड, डी जेम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन गिलफोर्ड। तो ये था आज का हमारा वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान क्विज भाग 4, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने इस तरह के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे, आपको कोई भी शंका या समाधान हमसे आप चाहें तो आप हमें कमेंट्स के रूप में ज़रूर बताएं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।